यस वेलकम 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 एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम, सबका स्वागत है। सो तनाव मुक्त सोसाइटी, तनाव मुक्त भारत अभियान, यह प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि आप सब लोग, आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला होगा आपने, और आप आए करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी यह समय ऐसा है कि लोगों का खाना खाने का समय हो सकता है, गृहिणी है तो खाना पकाने का समय होता है, कहीं ऑफिस में से आते हैं, बिजनेस में से आते हैं, आराम करने का समय होता है, तभी भी आप लोग आए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपको कुछ, यस, हमारे काफी लोग जो है वो पहचान के लोग हैं, जो काफी आते रहते हैं, कांता जी, कांता मैडम है, अखिलेश तिवारी जी है, वेलकम, यही थे कावरे में। फिर यह सतीश दुदुलवार जी है, हाँ ओके यस सतीश दुदुलवार वेलकम। फिर शर्मा साहब है, शर्मा साहब, प्रवीण वर्मा जी है, यस, नितिशा कांबळे वेलकम, सचिन यवतमाळ से, यस, सादिक कुरेशी, सचिन यवतमाळ, यस, बालाजी मोहाले वेलकम, वेलकम एवरीवन। सो प्रवीण जी, आपको कुछ बोलना है, एनीथिंग यू वांट टू से, क्रिएट, क्या आशा जी है क्या आज कि नहीं है? आज आशा जी नहीं है, नहीं आशा जी नहीं है। ओके, छत्रराम पटेल है, गुड इवनिंग वेलकम, यस, बलराज सिंह वेलकम, दीपक कुमावत, सादिक कुरेशी, यस, नितिशा, नितिशा कांबळे, नितिशा आप कहाँ से हैं? नितिशा मुझे बहुत दिन, मतलब पहली बार देख रहा हूँ शायद मैं, कहाँ से आप? गुड इवनिंग सर, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से? मुंबई भारत। शायद पहली बार आप ज्वाइन हो रहे हैं ना? नहीं सर, मैं एक मंथ हो गया, वन मंथ में बस सुन रही हूँ। अच्छा, ओके मच सर, थैंक यू, आज मौका दिया आपने बोलने के लिए, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवीण वर्मा जी ना करूँ ना करें पोस्ट, यस प्रवीण जी, आपको पोस्ट कर रहा हूँ, या यस ओके, बाला रिंदे, अच्छा हाँ, एके म्यूजिक, ये क्या नाम है भाई, एके म्यूजिक, एके म्यूजिक, आपका जो है ना ऑडियो चालू नहीं है, एके म्यूजिक, तो आपका ऑडियो चालू नहीं है तो आपकी आवाज मुझे सुनाई आएंगी नहीं और मेरी आवाज आपको सुनाई आएंगी नहीं, आप क्या करो, एके म्यूजिक उनको टेक्स्ट मैसेज डाल, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ, क्या होता है कि आपको ऑडियो चालू करना पड़ता है, जो ऑडियो का बटन रहता है ना वो भी चालू करना पड़ता है ताकि आपको सुनाई आएगा, अभी उनको मेरा आवाज आएगा नहीं, उनको आवाज मुझे तक नहीं आए, मेरे तक नहीं आए, ओके गुड, ओके सो वेलकम। जैसा मैंने बताया कि हम ये स्ट्रेस इंडिया, स्ट्रेस फ्री इंडिया मूवमेंट हम चलाते हैं, स्ट्रेस फ्री इंडिया, तनाव मुक्त भारत अभियान, तो इसमें मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीक बाय वीक आते हैं, हर गुरुवार को और हर शनिवार को ये प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं। गुरुवार को हमने लीडर्स के लिए आयोजन किया था मगर लीडर्स कम आते हैं करके हमने गुरुवार भी कर लिया, शनिवार भी कर लिया, अभी दोनों पब्लिक के लिए खुला कर दिया, और हम क्रिएट करेंगे कि भाई आप स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसा जी सकते। क्या होता है कि स्ट्रेस आने से बहुत सारी बीमारियां होती है, मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, और काफी सारी बीमारी आप नाम लो और वो बीमारी स्ट्रेस से होती है, मतलब स्ट्रेस जो है ना वो कारण होता है बीमारी की शुरुआत का, कम से कम तनाव, हार्ट अटैक, आपको सबको मालूम है कि तनाव आ जाता है हार्ट अटैक आता है, आपको मालूम है कि तनाव आता है ब्लड प्रेशर होता है ना,
तो ये सब आपको पता ही है। चलो तो कोई भी आप नाम लो, पेट का प्रॉब्लम है, मतलब शारीरिक बीमारियां जो होती रहती है, और वैसे ही तनाव से मानसिक बीमारी होती है, चिंता रोग है, डिप्रेशन है, ओबिया है, ऐसी मानसिक बीमारियां भी काफी सारी होती रहती है। और बहुत ज्यादा चिंता यदि हो गई तो पेशेंट पागल भी हो जाता है। तनाव से क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन क्षमता, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता काम में, भटक जाता है, याददाश्त नहीं रहती है, इधर उधर भाग जाते हैं, काम फटफट फटफट नहीं होता, काम बहुत स्लो हो जाता है, और उसमें फिर हमको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलता है। मुझे आपको सबको रिक्वेस्ट है कि यह जो कॉल है यह कॉल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, यह कॉल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, मतलब आपको मानसिक समस्या है उसके लिए नहीं है। हम क्या करते हैं, यह कॉल में एक टिपिकल टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैं भी टॉपिक कुछ क्रिएट करूंगा और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर आपको कोई सवाल होंगे तो हम उसके सवाल जवाब लेंगे, वो टॉपिक छोड़ के हम लेंगे नहीं, क्योंकि वैसे दुनिया में बहुत सारे टॉपिक है, हम टॉपिक लेते जाएंगे तो टॉपिक हम लेते जाएंगे तो टॉपिक खत्म होने वाले नहीं, और एक घंटा कम भी पड़ेगा, ठीक है। और मुझे आपको बात करनी है, व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेनी है, तो मैं एक नंबर डाल रहा हूँ 9822570101, ये नंबर है मेरा मोबाइल नंबर, ये चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख लो 9822570101। तो आपको पर्सनल बात करनी है तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पर्सनल बात हो सकती है, और आज के टॉपिक के बारे में बोलना है तो आज तो हम अभी बात करेंगे ही करेंगे। और समझो आपने पर्सनल अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो और कोई तो भी हफ्ते में बाद में बाहर आएगा, जैसा आप शनिवार को आते हैं गुरुवार को आते हैं तो डेफिनेटली हम उसकी चर्चा कहीं ना कहीं गुरुवार शनिवार को हो जाएगी, कोई ना कोई गुरुवार को कोई ना कोई शनिवार को हो जाए, राइट। मेरी आवाज नहीं आ रही है, बंद कर दोगे? ओके, वन प्लस किसका नंबर है, मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है, आपको नहीं आ रही है तो आप देखो आपका कनेक्टिविटी है कि नहीं। आप यस, हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले बार जैसा बताया मैंने कि भाई अमीर बनने के लिए ये बात टालो, ऐसा हमारा टॉपिक चल रहा था, उसको ही आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने पिछले बार बोला था उसका एक रिकैप करता हूं फिर से, एक पॉइंट आज का पहला पॉइंट वो है कि कोई भी सक्सेस जो है वो सक्सेस मिलाने का तरीका अमीर लोग जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो अमीर लोग ये सिखाते हैं कि कोई भी सक्सेस फुकट में मिलता नहीं है, देयर इज नो फ्री लंच, आपको बहुत पसीना बहाना पड़ता है और उसके लिए आपको नींद, आपका कंफर्ट जोन, आपकी मौज मस्ती मजा, ऐसे बहुत सारी बातें आपको छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ती है कभी आपको कोई काम करना है ना। जैसा आज मुझे अभी एक दोस्त के यहाँ खाना खाने बुलाया, उनके यहाँ और भी कोई लोग आने वाले हैं, और अभी मैं ये जो कर रहा हूँ ये सेशन लीड कर रहा हूँ तो फिर उनको मैंने नहीं बोल दिया, वहाँ अभी मौज मस्ती करेंगे मजा करेंगे, और 7 बजे से लोग वहाँ आने वाले थे, बोले आज का सैटरडे है कल संडे छुट्टी रहती तो आज 7 बजे से आ जाओ, तो मुझे 7 से 8 एक सेशन था, अभी 8:15 से 9 सेशन है, खत्म होते होते 9:30 हो जाएंगे तो मैं जा नहीं सकूंगा, है ना। तो क्योंकि मेरे को ये कमिटमेंट है मेरा, तो और ये मौज मस्ती मेरे को छोड़नी पड़ेगी यदि मुझे कुछ करना है, सक्सेस मिलाना है, मुझे आपके लिए खड़ा रहना है, स्ट्रेस फ्री इंडिया के लिए खड़ा रहना है, तो वो मौज मजा मस्ती मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो ये पहला पॉइंट मैंने बताया जो हमने उस दिन कवर किया था, जो नए लोग आए उनके लिए मैंने फिर से कवर किया पहला पॉइंट। तो इसके बारे में किसको कुछ बोलना है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको बोलने का मौका दे सकता हूँ। यस, ओके, तो मैं सेकंड पॉइंट कवर करता हूं। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने लोगों की समस्या छुड़वाने का है और अमीर बनने का है,
आप जब लोगों की समस्या डेनियल है ना यहाँ है कौन जो आप लोगों की समस्या छुड़वाओ म्यूट कराने वीडियो पर बंद करो। वो डेनियल कौन है वो डांस कर रहा है मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है हाथ भी ऊपर है उसको वीडियो भी बंद कर रहा है दोस्त स्टॉप वीडियो करो डाकना स्टॉप वीडियो कर दे उसका डांस कर रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ ओके गुड। तो लोगों की समस्या छुड़वाने का कार्यक्रम करना है तो इसलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि लोगों की समस्या क्या है वो छोड़ना पड़ेगा। आपको जो लगता है वो धंधा चालू करेंगे तो होगा नहीं। यदि आप कश्मीर में जाके रेफ्रिजरेटर का धंधा चालू करते हैं तो लोगों की समस्या कुछ भी नहीं हल हो रही है। रेफ्रिजरेटर वहां चालू करके तो कोई धंधा चलने का कारण ही नहीं वहां बराबर है कि नहीं। तो वो नहीं होगा। आपको जहां करना है अभी समझो एक आधा रिसोड़ है हमारे यहाँ अकोला के आसपास रिसोड़ 110 किलोमीटर पे गांव है छोटा सा शहर है। अभी रिसोड़ में मैं 5-स्टार होटल डाल दूं 5-स्टार होटल रिसोर्ट में और बोला धंधा चलना चाहिए मेरा तो 25,000 की पॉपुलेशन होंगी 50,000 की पॉपुलेशन होंगी वहां मैंने 5-स्टार होटल डाल दिया तो चलने वाला है नहीं कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि लोगों की समस्या है नहीं वहां 5-स्टार में रहने की। उनको तो खाना पीना बस हो गया तो बहुत है खेत पे जाते काम करते धंधा करते मस्त मजे में रहते तो वो क्यों आएंगे वहां धंधा क्यों चलेगा 5-स्टार। या फिर वहां बड़े बड़े खाते बिल्डर ने बहुत अच्छे 2-2 करोड़ के फ्लैट स्कीम डाल दिया वह मेरे को फ्लैट बांधने का और बेचने का है वो धंधा चालू करने का है। तो रिसोर्ट जैसे गांव में या मालेगांव करके और एक गांव है जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 की होंगी 11 से ज्यादा वैसे तो 25 की होंगी मेरे ख्याल से प्रवीण जी को मालूम है ना प्रवीण जी कितना है मालेगांव की पॉपुलेशन 25 मालेगांव की 40,000 होगी सर 40,000 के आसपास पॉपुलेशन है। अब समझो वहां मैंने बिल्डरशिप चालू किया और 2-2 करोड़ के फ्लैट मस्त बहुत ही पॉश फ्लैट ऐसे निकाला वहां तो कौन लेगा वहां उनको जरूरत ही नहीं है पॉश फ्लैट की। तो लोगों की समस्या मुझे छुड़वाना पड़ेगा कि मालेगांव में मुझे धंधा चालू करना है तो मालेगांव के लोगों की वहां समस्या क्या है या रिसोर्ट में चालू करना है तो वहां के लोगों की समस्या क्या है जो समस्या वहां है वो समस्या मुझे छुड़वाने का बिजनेस चालू करना होगा। राइट YouTube चालू करूंगा तो इसके बारे में जैसा अभी मैंने पिछले बार भी शेयर किया था कि जैसा मुझे वो आदमी का नाम मालूम नहीं है कि जो आदमी को ये दिखा कि लोग अपने अपने बैग उठा के ट्रेवल करते हैं तो बैग उठाना पड़ता है बहुत उच्च ये रहती है मतलब हेवी रहती है कहीं कहीं कूली मिलता नहीं है तो फिर उसने क्या किया ये समस्या है लोगों की तो उसने वो बैग को चक्के लगा दिए। अब बैग को चक्के लगा दिए तो लोगों की समस्या हल हो गई। बैग अभी खींच के कोई भी कितनी भी वजनदार बैग हो वो खींच के लेके जाता है तो जिसने वो व्हील निकाले वो अमीर बन गया करोड़पति बन गया। तो इसके बारे में किसको कुछ बोलना है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं पूछ सकते हैं। यस अमेजोन आप अमेजोन का एग्जांपल ले लो। लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता आना नहीं पड़ता कहीं नहीं है आपको जो चाहिए वो अमेजोन के साइट पे जाओ। लोगों की समस्या घर बैठे बैठे उन्हें छोड़ दिया कहीं आना जाना नहीं है तुमको जो बुलाना हो बुलाओ ट्राई करो आपको अच्छा नहीं लगा तो वापस भी लेंगे वो वापस लेके जाएंगे और आपको जो चाहिए वो और सस्ते में मिलेगा। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बाहर चीज देखते हैं कि 1,500 रुपये की है और वही चीज सेम टू सेम अमेजोन के ऊपर 1,100-1,200 की मिल जाती और वो भी घर बैठे बैठे। लोग तो आजकल क्या करते हैं दुकान पे जाते हैं मोबाइल देख लेते हैं कौन सा मोबाइल अच्छा है वहां देख लेते हैं ऊपर नीचे सब पूरा कौन सी कंपनी है क्या कंपनी है पूछ लेते हैं मोबाइल का। अमेजोन पे जाते हैं सेम मोबाइल के ऑर्डर दे देते हैं है ना और वो 1,000-2,000 सस्ते में मिल जाता है। यस मयंक तिवारी बोलो क्या बोलना है आपको। सर जैसा आपने बताया कि अगर जिस प्लेस पे हमें जैसे आपने एग्जांपल दिया अकोला का या 5-स्टार होटल खोलने का वो चीजें मैं समझाऊं लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर किसी प्लेस पे सर कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है तो अगर वहाँ स्टार्टिंग करनी है तो कोई ना कोई किसी न किसी बंदे को आगे आना पड़ेगा ना सर
कि वहाँ कुछ न कुछ सुविधा चालू करे और वहाँ पॉपुलेशन के लिए थोड़ा आगे लाए। हाँ तो वो टाटा बिरला को करने दो ना, अपन ने क्यों करना, टाटा बिरला को करने दो, अपन ने क्यों करना, अपने पैसा क्यों लगाना वहां, टाटा लगाएगा उसको लाना है लोगों को ऊपर लाना है तो नहीं क्या, वो लगाएंगे होटल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा फायदा हुआ नहीं हुआ, चल रहा नहीं चल रहा है, उसको लगता है कि रिसोर्ट के लोगों को जहाँ की पॉपुलेशन 40,000 की है उनको 5-स्टार होटल खड़ा करना है और ऐसी समाज सेवा करना है तो करने दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ओके अजित कुमार यादव बोलो, अजित कुमार, अजित कुमार यादव अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए, गुड इवनिंग सर। ये चीज पूछना चाह रहा, जैसे अगर हम कोई भी चीज काम करना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर अगल बगल सोसाइटी का जो दबाव होता है या मतलब किसी तरह से मतलब जैसे बोलते हैं इसका स्ट्रेस कैसे झेला जाता है, कैसे झेल सकते हैं इसका, एग्जांपल बताओ, नेगेटिव जैसे विचार कोई बोलता है, एग्जांपल बताओ ना। जैसे सर हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन कोई अगल बगल का सोसाइटी अगर हमारे थॉट पर नेगेटिव विचार डाल देते हैं तो उससे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, स्पर्धा परीक्षा है ना। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ तो यही मतलब बहुत सारे लोग तो वही होता है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं तो उसका मतलब सुनने के बाद थोड़ा माइंड में स्ट्रेस टाइप का आ जाता है तो इसको कैसे झेला जाए। हाँ देखो, माइंड खराब हो जाता लगता है। हाँ, अभी आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं सर? जैसे अभी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं हमसे कर रहे, बराबर है। तो कोई आपको बोल रहा है कि अजित कुमार तुम ये नहीं कर सकते है, तुमको ये संभव नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ये बहुत कठिन परीक्षा है। यही तो बात है, इसी में थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है। हाँ एक्चुअली क्या होता है मालूम है क्या, कि लोगों को वो संभव नहीं है इसलिए वो तुमको बोलते हैं संभव नहीं, आपको समझ में आ रहा, वो एक्चुअली उनके लिए संभव नहीं रहता है तो उनको क्या लगता है कि भाई मेरे को संभव नहीं है, सबको ही संभव नहीं, तो उनको आपने ये बोलना है कि भाई मेरे को समझ में आ गया कि वो आपको संभव नहीं है, मेरे लिए संभव है क्योंकि पहले किसी ने तो भी एग्जाम दिया है ना, ये कोई ना कोई तो पास हुआ है ना, बराबर है, पहले तो कोई ना कोई पास हुआ ही है, पहले किसी ने ऐसे एग्जाम दिया है, मतलब ये संभव है, ऐसा तो नहीं कि चांद पे मकान बांधने का है कि चांद पे मकान बांधने के लिए जाना तो है। यही सब मतलब इसी सब चीज को लेकर थोड़ा मतलब डर फियरनेस टाइप का लगने लगता है कोई चीज करने से पहले, उनको उनको बोलना बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बोला हो, मगर मैं करने वाला हूँ ये और मैं पास हो जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले लोगों ने किया हुआ है, पहले लोगों ने किया है ना, ये कुछ लोगों ने पास तो हुए है ना, क्या तो है। हाँ लोगों को बोलने दो, लोगों को बोलने दो, लोगों का काम है कहना, बराबर है। आगे गए तो लोग बोलेंगे आगे क्यों गए, पीछे गए तो लोग बोलेंगे पीछे क्यों गए, वो गधे की कहानी मालूम है कि नहीं आप लोग, गधे की कहानी, बाप बेटा और गधा, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं सर। नहीं मालूम, किसको किसको मालूम नहीं, हाथ ऊपर करो, मालूम नहीं है, बताता हूं मैं। मालूम नहीं है निशा नितिशा, मालूम नहीं है तो अभी एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। एक बाप और एक बेटा, अपने एक उनके पास में गधा था, वो गधे को एक छोटे गांव से, म्यूट करा बाकी लोगों, छोटे गांव से वो बाहर सिटी में बड़े शहर में बेचने को लेके जा रहे थे, है ना, बेचने को लेके जा रहे थे, रास्ता एक मिनट हाँ मैं बता देता हूं सर तब तक। हाँ
तो बाप बेटा और वो गधा लेके बेचने जा रहे थे, तो रास्ते में लोग देखे उनको, फिर लोग बोलने लग गए कि अरे देखो गधा तो, ये दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा गधा को खाली चला रहे। तो ऐसा सुन के फिर क्या हुआ कि बेटा बैठ गया और बाप पैदल चलने लग गया, बेटा जो है गधे पर बैठ के चलने लग गया। थोड़ी देर जाने के बाद लोग बोलने लगे अरे कैसा बेटा है, ये तो खुद गधे पर बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। तो बेटा उतर गया और बाप को बैठा दिया। फिर लोग आगे गए, फिर लोग बोलने लग गए कि अरे ये कैसा बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद खुद बैठ के चल रहा है। फिर दोनों भी बैठ गए। फिर थोड़ा आगे गए, कुछ लोगों ने बोला अरे ये कैसे लोग हैं, इतना छोटा गधा और दो जने बैठ के जा रहे हैं। तो हर स्थिति में लोग कुछ ना कुछ बोलने वाले, लोग तो कुछ कहेंगे। ठीक है सर। हाँ, तो फिर क्या करते, आगे की स्टोरी क्या है? फिर वो क्या करते, दोनों मिलके, दो पैर उसका बाप पकड़ता, दो पैर उसका बेटा पकड़ता, बोले अभी गधे को अपन उठाएंगे और लेके जाएंगे। तो फिर वो गधे को उठा के लेके जा रहे, वो एक नदी थी उसके ऊपर पुलिया था, तो पुलिया के ऊपर क्या हो गया, वो गधे ने लात मारना चालू किया, वो दोनों के हाथ से गधा छूट गया, गधे ने जंप किया और पानी में गिर गया, मर गया। है ना? अभी बोलो अभी क्या करेंगे, तुम कैसा जीवन जिएंगे? राइट, ओके। अनुज कायंदे बोलो, अनुज, यस, वीडियो चालू करो अनुज, नहीं होता है। सर दीपक कुमावत बोलो, दीपक कुमावत बोलो। हेलो, हाँ बोलो, नमस्ते सर जी। यस बोलो, नमस्ते सर। अभी जो अजीत कुमार जी ने जो क्वेश्चन किया उसका सर मैं ऐसे पर्सनली उसको उस क्वेश्चन को अटैच में था, और इसको मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसे लड़ा है इस क्वेश्चन से, कि लोग अपन को कुछ भी बोले और हम उससे फाइट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी लोग हमें कुछ भी बोले चाहे अपन कुछ भी करें। अपन आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पॉइंट हमको पूरे कवर करना है ना, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट हमने लिया कि यश जो है, सक्सेस, सफलता फुकट में मिलती नहीं है, है ना? उसके लिए अपनी नींद, अपनी आराम का, अपना आराम का टाइम गमाना पड़ता है, मौज मस्ती छोड़ना पड़ेगा, फेसबुक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे अपन जो टाइम गमाते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो हमने देखा कि लोगों की समस्या जो है वो आपको छुड़वाने की और अमीर बनने का है ना? तो इसमें अमेजोन का एग्जाम्पल देखा मैंने, फिर मैं हमने बोला कि भाई ओयो का एग्जाम्पल है, जोमेटो का एग्जाम्पल है, वो चक्के का एग्जाम्पल है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि काम के प्रेम में पड़ो, काम से प्यार करो, है ना? काम से, अपने काम से प्यार करो, अपना जो काम है ना उसके प्यार में आ जाओ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर प्यार करो और वो काम करो, तो वो काम करके काम नहीं रहेगा, वो काम काम रहेगा नहीं, क्योंकि आप इतना प्यार करते हो उसके ऊपर वो काम ही नहीं है, वो तो आपका मजा वाला कार्यक्रम है, तो फिर काम कैसे रहेगा? इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो भी आपकी हुनर है, जो भी आपका कौशल है, जो भी आपको कलाकारी आपकी आती है, उसका बिजनेस चालू करो, जिसमें भी आप माहिर है, जो भी आप अच्छा कर सकते हैं काम, उसमें चालू करो बिजनेस, है ना? और वो बिजनेस चालू करेंगे तो क्या होगा, मजा आएंगी। जैसा मैंने तरला दलाल का एग्जाम्पल उस दिन दिया, तरला दलाल बहुत ही अच्छा खाना पकाती थी, घर में बहुत उसकी तारीफ करते थे, अरे वाह क्या खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, अलग अलग आइटम बनाती थी घर में, तो उसको उसमें मजा आता था खाना बनाने में। फिर उसको किसने बोला कि आप इतना खाना अच्छा बनाती है, तुम्हारे घर में चार पांच लोग है तो बाकी लोगों को मजा आएगा आपका खाना खिलाएंगे तो? बोले ठीक है, मैं लोगों को सिखाएंगे आप तो वो भी अच्छा खाना बनाएंगे, उसको मजा भी आ रही है, उसने लोगों को खाना कैसे बनाना सिखाना चालू, सीखना मतलब उनको सिखाना चालू कर दिया, और आज वो करोड़पति बन गए, क्योंकि उसके लिए खाना सिखाना किसी को, कोई लेडी को अभी काम नहीं रहा, अभी उसके लिए मजा वाला कार्यक्रम। ऐसा बोलते कि चूज ए जॉब ऑफ योर चॉइस, चूज ए जॉब ऑफ योर चॉइस एंड यू नीड नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन योर लाइफ। रिपीट कर रहा हूं मैं, चूज अ जॉब ऑफ योर चॉइस, चूज ए जॉब ऑफ योर चॉइस एंड
यू नीड नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन योर लाइफ। आपके प्यार का काम ढूंढो, और जब आपके प्यार का काम आप करेंगे तो आपको एक दिन भी काम करना नहीं पड़ेगा। मगर यदि ऐसा है कि आप अभी जो काम कर रहे हैं वो मजबूरन करना पड़ रहा है, उसके ऊपर आपकी इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, मगर क्या करूं, पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है, तो फिर क्या करना है? तो फिर जो काम करना आपको कंपलसरी है उसके ऊपर प्यार करना चालू करो। जो काम करना करना ही पड़ता है, क्या करना, पापी पेट का सवाल है, तो फिर वो काम के प्रति प्यार करना चालू करो, वो काम के ऊपर प्यार करो, बहुत मजा आएगा। और जो लोग अपने जो उनको जो काम के ऊपर प्यार करते हैं, वो काम का उन्होंने बिजनेस बनाया, वो करोड़पति हो गए। जो काम के ऊपर प्यार करते हैं उन्होंने बिजनेस बनाया, करोड़पति हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अभी वो काम है ही नहीं, वो दिन रात वही काम करते हैं और वो काम ही नहीं है। और जिसके ऊपर आप प्यार करते नहीं है तो फिर आप घड़ी लगा के काम करते हैं। घड़ी लगा के मतलब, अरे बाप रे बहुत हो गया ना, 4 घंटे काम किया, अब कितना करेंगे, 8 घंटे किया, बस थक गए अभी। और प्यार का काम है तो फिर मजा ही मजा है। 3 इडियट्स पिक्चर आपने देखा होगा, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स पिक्चर में फरहान रहता है, फरहान, तो फरहान को उसके पिताजी बोलते रहते हैं फरहान को कि कंप्यूटर इंजीनियर बन, पढ़ाई कर, कंप्यूटर इंजीनियर बन। तो कंप्यूटर इंजीनियर बोले तो उसको बहुत जान पाया था पढ़ाई करना, पढ़ाई करने बैठे तो नींद आ रही है, सो रहा है, बोलता था मेरे को नहीं करना है, मेरे को ये कंप्यूटर इंजीनियर बनने का नहीं है, मेरे को फोटोग्राफी में बहुत मजा आता है, जंगल की फोटोग्राफी, मुझे वो करने दो। पिताजी बोलते नहीं तो कंप्यूटर इंजीनियर बन। आखिर फिर आखिरी का जो सीन है आपने देखा होगा, उसके पिताजी उसको बोलते ठीक है बेटा, तेरा कहना मैं मानता हूं, और तू अभी कंप्यूटर वगैरह बाजू में रख दे, तू जंगल की फोटोग्राफी। तो जंगल की फोटोग्राफी कर बोल तो रात को 12 बजे भी उठेगा और चले जाएगा, और पढ़ाई करने को बोला तो सोएंगे, नींद आ रही, क्योंकि जंगल फोटोग्राफी उसका मन का काम, मजा आती है, तो नींद का सवाल ही नहीं आता, नींद क्यों करेगा। तो जो काम में आपकी चाहत है, जो काम आपको मजा आता है करने में, वो काम आप करेंगे तो आपको थकान भी नहीं आएंगी, मजा भी बहुत आएंगी, और आपका करोड़पति बनने का कार्यक्रम जल्दी हो जाएगा। और दूसरा मैंने जो बोला कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो प्रभाकर जी वाकड़े, हेलो प्रभाकर जी, नमस्कार प्रभाकर जी। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, प्रभाकर जी हमारे दोस्त है, कहाँ ये कहाँ गए, हाँ तो प्रभाकर जी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और आपको ये लागू होता है, वैसे मेरे लिए लागू होता है कि आप जितने ज्यादा लोगों के लिए काम करेंगे और जितने ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने अमीर बन जाएंगे। बराबर। अब डॉक्टर कितना काम करेगा, एक डॉक्टर 10 पेशेंट देखेगा, 20 देखेगा, 25 देखेगा, 50 देखेगा, या 100 देखेगा, 1000 तो देख सकता नहीं ना। बराबर। कोई भी प्रोफेशनल 1000 पेशेंट एक डॉक्टर देख सकता नहीं है। हाँ। मगर 1000 पेशेंट का चेकअप करवा के ले सकता है वो किससे भी। करेक्ट। 1000 पेशेंट का चेकअप करवा के ले सकता है, इसका मतलब वो बड़ा हॉस्पिटल खोल के वहां हॉस्पिटल में डॉक्टरों को लगा के उनको जॉब देके वो 1000 पेशेंट वहां हो सकते हैं, और 1000 पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया तो बड़ा काम हो सकता है। सर लेकिन डॉक्टर लोग क्यों रहेंगे? तो अभी रिलायंस का जो ओकेलाबेन हॉस्पिटल है वहां उद्धव ठाकरे जाके ऑपरेशन नहीं किया गया? अच्छा। उसका मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। ऑपरेशन कौन कर रहा है? डॉक्टर शोभराज। अच्छा। क्यों काम कर रहा शोभराज वहां? मुकेश अंबानी तो घर बैठे बैठे सो रहा और पैसे कमा रहा, शोभराज ऑपरेशन कर रहा। सुना ना नाम, शोभराज ने ऑपरेशन किया ना अभी उद्धव ठाकरे जी का। हाँ, रिलायंस कुकेराबेन अंबानी हॉस्पिटल जो है उसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, बाहर के जो राज्य के लोग है, बाहर के स्टेट के, उनको बताता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनका ऑपरेशन अभी हुआ गर्दन का, नेक का,
वो रिलायंस हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, उसका तो मालिक मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी करोड़पति बन रहा, शोभराज को सैलरी मिल रही। तो इसका अर्थ क्या, लोगों ने अपॉइंटमेंट करके बड़ा काम करना, बड़ा काम करना पड़े। देखो एक होटल कोई चलाता है, एक होटल कोई एक होटल का मालिक है कोई भी, और एक होटल में समझो 25-30 कमरे भी है, और 25-30 कमरे में से पूरे तो भरते नहीं है, आधे भरेंगे। आदमी कितना कमाएगा, 10 लाख रुपए महीना कमाएगा, और कितना कमाएगा वो होटल से खर्चे बिर्चे जाके। वही उन्होंने क्या किया, वही बोले एक होटल नहीं, हमें 10,000 होटल करेंगे। अच्छा, और ओयो के 10,000 होटल है, ज्यादा होंगे मेरे को मालूम नहीं कितने, उनके दुनिया भर में होटल है। तो एक होटल में आदमी कितना कमाएगा, 10 लाख कमाएगा, इनके दुनिया भर में होटल है ओयो के। जब दुनिया भर में होटल है 1,000, 2,000, 5,000 जितने भी होंगे और दुनिया भर में है, तो कितने कमरे उनके पैक होते होंगे, कितना पैसा मिलता होगा। कोई होटल खाने का होटल है, रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट का गल्ला कितने का होगा। समझो अकोला में राठी पेड़े वाला है, रेस्टोरेंट है, अब उसका गल्ला कितने का होगा रोज का, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, और कितना होगा, 2 लाख का होगा। चलो राठी पेड़े वाले का गल्ला 2 लाख रुपए का होगा, लिमिटेड है ना। जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो बोले तुम्हारे घर में तुमको जो खाना चाहिए वो खाना हम लाके देंगे, और जो होटल से चाहिए वो होटल से लाके देंगे। अभी जोमेटो के 10,000 होटल्स, पता नहीं कितने 25,000 होटल्स, और दुनिया भर में है, तो मल्टी मिलियनर बन गया, क्योंकि उनके कस्टमर कितने हैं, जोमेटो के कस्टमर 20 लाख कस्टमर्स है अभी उनके पास में, नॉन जो है जिन्होंने उनका ऐप ले लिया, 20 लाख के ऊपर है कस्टमर जोमेटो, तो दुनिया भर में है। एक होटल वाला कितना कमाएगा, 1 लाख, ज्यादा ज्यादा 1 लाख 2 लाख। हाँ, और कितने लोगों को खाना खिलाएंगे, राठी पेड़े वाला कितने लोगों को खाना खिलाते होंगे, 100, 200, 500 लोगों को। जोमेटो कितने लोगों को खाना खिलाता रोज, 20 लाख तो उसके कस्टमर है उसके। इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा लोगों को सर्व करना पड़ेगा, 15-20-25 लाख लोगों को सर्व कर रहे रोज, तो फिर क्या पैसा कैसा? वो कैसा करना, जोमेटो का किया ना, अभी कितने एग्जांपल दूं मैं आपको। अच्छा, जोमेटो ने क्या किया अभी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। उसने दिमाग लगाया जोमेटो ने कि लोगों को, पुना बॉम्बे में क्या होता है, पुना बॉम्बे में आपको अच्छे होटल में जाने का है तो आपको आधा आधा पौन पौन एक घंटे का वेटिंग होता है। बड़े शहरों में अपने यहाँ तो कोई होटल में जगह मिल जाती है, पुना बॉम्बे में तो बहुत लोगों को वेटिंग रहता है। तो उसने देखा कि ये प्रॉब्लम है कि अपने घर से जाओ, जाने के लिए आधा पौन घंटा, ट्रैफिक जाम, आएंगे तो ट्रैफिक जाम, वहां आधा एक घंटे का वेटिंग, तो मतलब बाहर खाना खाने जाना तो 3 घंटे का कार्यक्रम हो गया। तो लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया, कौन सा कि मैं आपको घर पे खाना मिलेगा, आप जो जगह का बोलेंगे वो जगह का खाना मिलेगा और गर्म खाना मिलेगा, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको आपके ब्रांच में जो आप में माहिर है कि भाई लोगों को घर में कैसे मिल जाएंगे। अब लोगों ने, प्रैक्टो ने क्या किया मेडिकल फील्ड में, प्रैक्टो ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, बोले आप हमारे यहाँ रजिस्टर करो, डॉक्टर लोगों को बोला हमारे यहाँ रजिस्टर करो, आप प्रैक्टो को फोन करो, प्रैक्टो को फोन किया तो आपके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाती, डॉक्टर अपॉइंटमेंट देता। प्रैक्टो डॉक्टर नहीं है, उसने क्या किया, डॉक्टर लोगों को 2,000-5,000 डॉक्टर लोगों को अपने पास में लाया, अपने प्लेटफॉर्म में लाया। अब प्रैक्टो कितने लोगों का इलाज करता रोज, प्रैक्टो करता होगा 25,000 लोगों का इलाज रोज। नहीं, दिमाग लगाया ना, समझ में आ रहा नहीं। हेलो, आप अनम्यूट करो, अनम्यूट, समझ में आ रहा। थोड़ा थोड़ा लाइट लग रहा है। ओ
क्या लाइट लगा बताओ। मुझे ये ख्याल में आया कि मेरा होमपैथी है और लिमिटेड पेशेंट है, तो कुछ लोगों को ट्रेन करके उनकी जो मतलब घर का सर्विस करके उनकी हिस्ट्री ले सकते हैं, डायग्नोस अपन कर सकते हैं। जो भी करना है सोचो अभी आप, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमने पहला पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन हो गए, पहला पॉइंट हमने देखा कि सफलता फुकट में मिलती नहीं है, सफलता फ्री में मिलती नहीं है, सफलता मिलाने के लिए बहुत टोले लेना पड़ता है, बहुत ही टोले लेना पड़ता है ना। बड़ा बनना है तो बहुत टोले लेना पड़ता है, ऐसा हम मराठी में बोलते, टोले लेना पड़ता है, हिंदी में भी वही है। आपका नींद, आपका आपका कंफर्ट जोन, आपका मौज मस्ती नंबर एक छोड़ना पड़ेगा। नंबर दो, लोगों की समस्याओं का हल करना पड़ेगा, लोगों की क्या समस्या है उसका हल करो, और जितने ज्यादा लोगों की समस्याओं का हल करेंगे उतना ज्यादा आपका सफलता है, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, जितने ज्यादा लोगों को करेंगे। आपके 2000 है, 5000 है, 25000 है, 1,00,000 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, 10,00,000 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। और आप 25, 50, 100 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे कम। नंबर तीन जो हमने बताया कि काम के प्यार में पड़ो, काम के ऊपर प्यार करो, चूज अ जॉब ऑफ योर चॉइस एंड यू नीड नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन योर लाइफ। और यदि काम अपने प्यार का नहीं है तो जो काम करना कर्म प्राप्त है, जो काम करना कंपल्सरी करना ही पड़ता है, उसके ऊपर प्यार करना चालू करो। तीसरा पॉइंट। नंबर चार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसा अपने पास में बहुत होना जरूरी है। पैसा आपके पास में बहुत ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि पैसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ पे छुड़वाता है। तो ये आपको दिमाग में से निकालना पड़ेगा, नहीं नहीं पैसा हमको इतना नहीं चाहिए, हम पैसे के लिए इतना मरमर नहीं करते हैं, हम कोई ज्यादा स्टिंजी नहीं है, हम कोई ऐसा पीछे के लिए मतलब काटेंगे नहीं लोगों को, ज्यादा पैसा मिलाना मतलब लोगों को काटना पड़ता है, ज्यादा पैसा मिलाना मतलब व्यापार में बदमाशी करना पड़ता है, इसलिए हम करते नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने को ये छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें पैसे से मिलती नहीं है, बहुत सारी चीजें पैसे से मिलती नहीं है, पैसे से आप खरीद नहीं सकते हो बहुत सारी चीजें, मगर बहुत सारी चीजें पैसे से ही मिलती है और उसके लिए पैसा ही लगता है। तो उसमें कोई गलत नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हैं, उसमें आपको कोई गिल्टी फीलिंग नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूं तो गिल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसा कमाना है तो बदमाशी करके कमाना पड़ेगा, लोगों को मूर्ख बना के कमाना पड़ेगा, फ्रॉड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पैसा जो है ये आपको कमाना ही है, और पैसा कमाने के लिए हर गुरुवार को हम एक प्रोग्राम करते रहते हैं, मालूम है आपको, हर गुरुवार को अबंडेंस के जरिए हम प्रोग्राम करते रहते हैं, वो है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये प्रोग्राम हमारा हर गुरुवार को होता है सुबह 8 बजे, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा। और पैसा सब कुछ नहीं है मगर पैसा बहुत कुछ है, ना बोले बराबर, यस। तो ये चौथा पॉइंट मैंने बोला, इसके बारे में किसको कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, एनीबॉडी। अब हाथ ऊपर कर सकते हैं तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। यस बलराज सिंह, बलराज सिंह बोलिए, अनम्यूट करो, बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से, वेलकम, बहुत बढ़िया। यस मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे। यस अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है और रिटायरमेंट का समय अभी नजदीक आ रहा है, तो उसके बाद भी सोचा जा सकता है कोई बिजनेस करने के बारे में, उसके बारे में सर क्या राय दोगे आप? बरोबर है, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। आपको मालूम है कि आप गवर्नमेंट जॉब में रिटायर कब होने वाले हैं? हाँ, पहले से मालूम रहता है, पहले से अभी समय है। हाँ सर। हाँ तो अभी कितना समय है आपको? अभी वैसे 3 साल के करीब है सर। 3 साल है, तो 3 साल बहुत हो जाते हैं वैसे देखा जाए तो। आपको अभी ये प्लान करना पड़ेगा कि मैं 3 साल में क्या नया कौशल्य हासिल कर सकूं।
राइट सर, तो जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब में ही आप आगे बढ़ सकते हैं क्या, है ना, नंबर एक, कोई वही जॉब में आगे बढ़ सकते हैं, वही जॉब का बिजनेस कर सकते हैं क्या? जी सर। कौन से ऑफिस में आप है? अभी दिल्ली गवर्नमेंट में है सर। कौन सा काम, क्या काम करते हो? तो क्या है सर काम? हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में है सर, ऑफिशियल वर्क। हाँ तो फिर अभी उसमें देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप ऑफिशियल वर्क में इसमें क्या अपन कर सकते हैं, बिजनेस करके कर सकते हैं क्या जी? और यदि आप बहुत अच्छे हैं एडमिशन में, बहुत अच्छे हैं आप, और आप एकदम तंदुरुस्त है, फिट है, फिजिकली फिट है, तो आपको कोई भी उठा लेगा उतने सैलरी में, और आपको नौकरी करनी है तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, लोगों को संभालने का एक्सपीरियंस है, चलो तो हमारे यहाँ आ जाओ, उठा लेगा, रीएम्प्लॉयमेंट हो जाती है सर, राइट सर, रीएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। हाँ और राइट सर, आपको बिजनेस चालू करना, बिजनेस चालू कर सकते, तो उसके लिए 3 साल का टाइम है, आप कलाकारी डेवलप करो आप में, खुद में, और कलाकारी डेवलप करके देखो, स्किल होना जरूरी है, सही कर। हाँ तो स्किल डेवलप करो, राइट सर, राइट। कि लोगों को लगता है कि अपने को सब कुछ आता है, एक हमारे परिचित है स्टेट बैंक से वॉलेंटरी रिटायरमेंट मिला लिया 60 लाख रुपए उनको कुछ तो भी ग्रेच्युटी वगैरह मिली, बोले 60 लाख में बोले अपने को किराना शॉप चालू करना है, बोले मस्त है, यहाँ से माल ला उधर बेच डालो, अच्छा पैसा मिलेगा, बोले किराना दुकान डाला, 1 साल में बैठ गए, किराना दुकान कैसे चलाना मालूम नहीं है, उन्होंने नौकरी बैंक में किया और नौकरी बैंक में नोटा गिनने की किया, जिंदगी भर नोटा गिनने का कार्यक्रम किया, इसीलिए पूछा है सर मैंने क्वेश्चन यही। तो आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब चालू कर सकते हैं, जो आपको बिजनेस चालू करना है, गवर्नमेंट जॉब में आपको सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, उससे भी जाओ कहाँ काम करो, फ्री में काम करो, कौशल्य हासिल करो, स्किल हासिल करो, और फिर 3 साल के बाद में अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, और ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ, और वो जो है वो ये है, पांचवा पॉइंट लिख लो कि मैं अमीर बनने का लायक हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरी लायकी है। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को दिमाग में है कि अपनी लायकी नहीं है, अपन बन ही सकते नहीं, पैसा अपने नसीब में है नहीं, पैसा अपने हाथ में टिकता नहीं, ये सब कॉन्वर्सेशन लोगों के रहते हैं, पैसा तो अपने को मिलेगा ही नहीं, अपने 7 पीढ़ियों ने पैसा कमाया नहीं, अपन क्या कमाएंगे, अपने को बिजनेस आता नहीं, अपने को ये नहीं आता, अपने को वो नहीं आता, अपने को लोग सपोर्ट करते नहीं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, मैं छोटे गांव में हूं, मैं बड़े गांव में हूं, इतने सारे कॉन्वर्सेशन लोगों के दिमाग में रहते हैं कि वो कॉन्वर्सेशन में वो कुछ भी करती नहीं, मेरे नसीब में ही पक्का पैसा नहीं है, मुझे 7.5 लग गई है, शनि महाराज बहुत पीछे लग गए, तो अभी 7.5 साल तो कुछ होने वाला है नहीं, 7.5 साल के बाद मैं देखूंगा मैं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशन रहते हैं और लोग काम करते नहीं है, के बारे में क्या बोलना है, किसको बोल सकते हैं? खानदानी गरीब है। हाँ नैना बोल रही है, नैना कहाँ है तुम, जरा बोलो, हाथ ऊपर उठा तो मैं तुमको बोलने का मौका देता हूँ, कहाँ नैना, दिख नहीं रही है, नैना जी हाथ ऊपर करो तो मैं देखूंगा, यस विराग देशमुख, यस बोलिए विराग, विराग बोलो अपना वीडियो। हाँ सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोला। हाँ सर मैं विराग देशमुख नागपुर से बोल रहा हूँ, मुझे पूछना था सर कि जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अभी मुझे रिटायरमेंट के लिए तो बहुत समय है, और हम कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे टाइम लिवरेज का भी आपने जो एग्जांपल दिए है जोमेटो का है या ओला का है या और प्रोक्टा का है जो डॉक्टर्स लाइन में है, अलग अलग जो ऐसे अभी एप्स या डिजिटल मीडिया के थ्रू टाइम लिवरेजिंग कर रहे हैं, तो वैसे कैसा है कि हम लोग अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये 8 घंटे का जॉब करना और उतनी सैलरी मिलती और उससे अगर हमें कुछ मिलेनियर बनना है तो बन नहीं सकते और हम सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है ना,
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर, तो ये मुझे आपसे जानना था सर प्लीज। देखो क्या कर सकते हैं, इसके बदले आप क्या करो कि आप गूगल पे जाओ और कितने स्टार्टअप चालू हो रहे, देखो रोज के 10-20 स्टार्टअप चालू हो रहे, 10-20 रोज, दिमाग लगा दे क्या नया चालू करो, क्या नया चालू, क्या नया चालू करो, दिमाग लगा। अभी मैंने सुना एक ने अभी चालू किया काम, उसने क्या किया कि बोले कटिंग सलून को वो सॉफ्टवेयर सप्लाई करे, कटिंग सलून वाले को, तो कटिंग सलून वाले को सॉफ्टवेयर देगा वो, तो वो सॉफ्टवेयर देगा, उसका ऐप देगा, तो उसके कस्टमर मालूम है कि उसके यहाँ कितने लोग आके चले गए, वो कस्टमर ने उसके फोटो निकालेगा, पिछले बार आया था तो कैसा कटिंग किया था उसकी, उसके फोटो निकालेगा, फिर अलग अलग उसको बोलेगा तुमको किस प्रकार की कटिंग होना है, उसकी अपॉइंटमेंट यानी उसका टाइम नहीं जाना चाहिए, तो उसने वो ऐप बना लिया और उसका ये ऐप अभी वो कटिंग सलून को बेच रहा है और कटिंग सलून वाले उसका ऐप ले रहे। अगर आपने दिमाग में भी नहीं आता ये, अब वो उसने करीब करीब अभी तक 500 ऐप बेच दिए इंडिया में, इंडिया भर में 500 ऐप उसने बेच दी, और अभी एक 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 ऐप भी 50,000 का हो गया, तो कितना हो गया, 25 लाख का हो गया होगा शायद, ज्यादा हो गया, 5 करोड़ का हो गया। उसमें नया सोचते हैं लोग बहुत। अभी हम मैं जो है हूँ सर वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, हाँ, तो उसके रिलेटेड क्या कुछ है आपके पास? तो आपको सोचना है, वो अभी अभी तो अपने वो टाइम नहीं है इतना, है ना, तो आपको सोचना है, आप गूगल पे जाओ सर्च करो कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मैं लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि कटिंग, अभी मेरा ही प्रॉब्लम है, मैं कटिंग सलून जाता हूँ तो मेरे को जगह नहीं मिलती, मतलब कोई ना कोई बैठो 5-10 मिनट बैठना पड़ेगा, अब 10 मिनट में क्यों मेरे बर्बाद करो, तो मेरे को यदि ऐसा ऐप मिल गया कि जो बिल्कुल एकदम डॉट टू डॉट जाएगा, मैं जाऊंगा फटाक से कटिंग करूंगा वापस आ जाऊंगा, तो ऐसा ऐप कोई कटिंग सलून में अकोला में होगा तो मैं वही उसके पास में जाऊंगा, उसने ऐप बेचने का धंधा चालू किया, कटिंग सलून को ऐप दिया। अच्छा अच्छा, आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, सोचो लोगों का, आप सर्वे करो मार्केट में, सर्वे करो कि क्या प्रॉब्लम है, अब 100 लोगों को पूछो, 100 लोगों को कि आपको आपको कौन सा प्रॉब्लम है, कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, करो सर्वे, मार्केट में घूमो, पूछो लोगों को क्या प्रॉब्लम है आपको रोज केस में, है ना, मार्केट में मतलब अभी अभी मार्केट में क्या प्रॉब्लम है पूछा अभी हमको, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूछा किसने, हमारे यहाँ पेपर वाला जो है अखबार डालता है न्यूज़पेपर वाला, वो 8 के पहले अखबार डालता नहीं, और कोई भी हमारे यहाँ आदमी आता है तो 8 के पहले आने को तैयार, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को 7 बजे अखबार चाहिए रोज, तो किसने समझो ऐसा चालू कर दिया कि सबके घर में 6 बजे अखबार पहुंच जाएंगे, 6:30 बजे धंधा अच्छे चलेगा उसका। सही बात नहीं क्या? यस वैसे अभी फार्मर्स को जैसे रेट्स का प्रॉब्लम रहता है सर, मार्केट रेट्स का जो फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स रहते हैं ना, जो प्रोड्यूस के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेट्स के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, तो वो अपने को भी कैलकुलेट नहीं करना है। अभी आप सोचो और कभी भी आप जब भी सोचेंगे तभी आपने ये देखना है कि आपको उसमें एक्सपीरियंस है क्या, पहले पैसा डालने के पहले आपको उसमें एक्सपीरियंस है क्या, आपने कुछ उसमें एज ए वर्कर काम किया है क्या, आपने उसमें खुद पसीना बहाया है क्या वो काम में, है ना, नहीं तो फिर क्या आप चालू करेंगे और आपको आता ही नहीं कुछ तो फेल हो जाएंगे, है ना, वो करना होगा। ओके गुड, यस यस, तो नेक्स्ट पॉइंट है, थैंक यू, यस, छठवां पॉइंट जो है वो है कि ये यूनिवर्स में बहुत सारा पैसा उपलब्ध है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मतलब मौके उपलब्ध है, हमको खोदना नहीं आता। अभी ये हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस किसको भी डाल रहा है, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं कि आपके पास में यदि पैसा बहुत ज्यादा है ना तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, इसलिए ये टॉपिक रिलेटेड है, जो भी डाल रहे हैं ना इसमें चैट बॉक्स में हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जो आता है तो हमारे यहाँ कल का हमारा जो टॉपिक सॉरी परसों का टॉपिक जो है परसों का सुबह का टॉपिक जादू का पैसे के बारे में, सबको रिक्वेस्ट करूंगा 151 लोग है आप सभी लोग सुबह के हमारे टॉपिक पे आ जाइए, परसों का टॉपिक जो है ना वो धन के बारे में है, तो
हमारे यहाँ ऐसे करीब करीब 33% लोग है कि जिनको दो टाइम खाने को भी नहीं मिली और वो स्ट्रेस में है कि सुबह का खाया तो शाम को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उनको दौड़ना पड़ता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया, ठीक है ना। यस, मंडे को सुबह टॉपिक है पैसे का, धन का चुंबक, ये टॉपिक है सुबह 6:30 बजे, उसमें आइए आप। धन का चुंबक करके टॉपिक है 6:30 बजे सवेरे, उसमें आइए, ठीक है। तो छठवां पॉइंट है कि पैसा जो है वो बहुत है, संधि बहुत है, हम नहीं ले रहे, हमने हमारी आंखें बंद करके रखी है, हमने कान बंद कर रखे हैं, हम देखने नहीं जाते। जब वो टक टक करता है, ठक ठक आता है, खटखटाता है आपका दरवाजा, कोई मौका, तो हम सोए रहते हैं, बोलते कौन है बे, तकलीफ मत दे, मैं सो रहा हूं, और उठते भी नहीं है। वो दस्तक दे रहा है दरवाजे पर, आप सोए हुए। ऐसा बोला जाता है कि पैसा जो है ना, जो गंजा आदमी है, गंजा आदमी है जिसको बाल ही नहीं है, तो उसके जैसा है, मौका, पैसा नहीं मौका। वो आदमी को आप पकड़ नहीं सकते बाल से, क्योंकि उसके बाल ही नहीं है तो कहां से पकड़ेंगे। तो वो मौका है, मौका भाग जाता है। जब आपके पास में आता है तो आप बोलते मैं सोया हूं, मेरे को तकलीफ बंद है, फिर दरवाजा खोलेंगे उठने के बाद में वो भाग रहा है, आप उसके पीछे भागते हैं तो हाथ में आता नहीं है मौका। तो मौके जो है वो आपको हाथ में लाने पड़ेंगे, मौके के लिए कान नाक गला सब आंखें खुले रखनी पड़ेंगी, है ना। तो वो होगा, ठीक है। तो ये छठवां पॉइंट है। और सातवां पॉइंट जो है वो बोलने के पहले फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी 148 लोग है, सभी को बोल रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक डाल रहा हूँ, अभी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली हुई है, वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी मैं लिंक डाल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो जिसमें खाली जगह है वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, ताकि गुरुवार का और शनिवार का ये प्रोग्राम आपको मिलते रहेगा। हर गुरुवार को और शनिवार को सुबह 8 बजे है, लिंक यही रहेंगी। और ये इसमें हम देखेंगे कि भाई स्ट्रेस करने कम करने के कौन से उपाय है। उसमें का आज जो हम कर रहे हैं वो है पैसा, अमीर बनना, सफलता हासिल करना। और वो यदि आपके पास में रहता है तो आपको स्ट्रेस कम आएगा, राइट। तो इसमें ये करना है आपने, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो ताकि आपको वहां मिल जाएगा वेबिनार के, अपने टेलीग्राम ग्रुप है ना, टॉपिक लेकर वेबिनार ग्रुप, उसमें ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। नैना कुछ बोल रही थी, नैना। हाँ यस सर। सर मैं ये कहना चाहूंगी जैसे कि एज यू सेड जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें खोनी नहीं है, तो मींस उसके ऊपर भी एक बात कहना चाहती हूँ कि जो बिल गेट्स है वो बहुत ही अमीर इंसान है, और उसका जब इंटरव्यू ले रहे थे पत्रकार, तो एक पत्रकार ने उससे एक क्वेश्चन किया था कि तुम आपके अमीर बनने का, आपके लाइफ में आप इतने सक्सेसफुल हो गए, इसका राज क्या है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक चेक निकाल के ब्लैंक चेक उसके सामने रख दिया और बोला आपको जितनी चाहिए उतने अमाउंट आप भर दो। तो वो हंसने लगा पत्रकार, बोलता नहीं 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 आप कर दो, उसने बोला। तो फिर वो बोला नहीं, तो फिर वो क्या बोलता है बिल गेट्स, तो मैं ये जो मैंने आपको मौका दिया था ये आपने खो दिया, पर ये अगर मेरे सामने होता तो मैं वो ले लेता था। मतलब मैं एक भी अमीर बनने की या फिर मेरे लाइफ में सक्सेस होने की एक भी अपॉर्चुनिटी में खोता नहीं हूँ, ये मेरा अमीर बनने का राज है। तो आपने बरोबर कहा कि जो नींद लेते रहता है तो वो नींद ही लेते रहता है, उसके सामने कितने सारे मौके आते हैं लेकिन वो खो देता है। ये सर थैंक यू सलीम खान। हाँ थैंक यू वेरी मच सलीम खान, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आप लिख रहे हैं, तो आप क्या करो 9822570101 ये नंबर के ऊपर आप मैसेज डालो, कॉल करो, तो आपको मेरी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और मैं ऑनलाइन आपसे कंसल्टेशन करूंगा, ठीक है ना। तो ये है, सबको मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप आते रहिए, और आपने अकेले आना मना है, आपने ये ग्रुप कॉल के ऊपर अकेले आना मना है, कम से कम अगले बार आपने आपके साथ में एक जना लाना चाहिए, कम से कम एक जना लाना चाहिए आपने, एक जना। कब, अभी हमारा कॉल होगा अगले गुरुवार को, तारीख कौन सी है, मेरे ख्याल से 8 तारीख है, 9 तारीख है, नहीं 9 तारीख गुरुवार को हमारा है 8:15 बजे रात को, सेम लिंक है, और 9 के बाद में 10 और 11 को भी रहेंगे, ठीक है ना। तो 9 को शायद प्रवीण वर्मा जी आपको लीड करना पड़ेगा,
प्रवीण भाई आप तैयारी में रहो 9 तारीख को, ठीक है ना? आप तैयारी में रहो। यस ठीक। और आखिरी का पॉइंट यह है कि अमीर बनने से ये लोग, मैं टॉपिक क्या ले रहा हूं कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। 7वां पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि अमीर बनने से आपको बहुत फ्रीडम मिलता है। अमीर बनने से आपको बहुत फ्रीडम मिलता है, इसलिए आपने अमीर बनना है। फ्रीडम कैसे मिलता है? फ्रीडम ये मिलता है कि आपको बहुत फ्री टाइम मिलता है, और फ्री टाइम यदि मिलता है आपको तो फिर आप जहां चाहे वहां खर्चा कर सकते हो टाइम। अमीर किसको बोलते हैं? अमीर उसको बोलते हैं कि जिसके पास में बहुत पैसा है और बहुत टाइम है, कि जहां खर्चा करना चाहता है वहां वो खर्चा कर सकता है, जितना खर्चा करना चाहता है उतना खर्चा कर सकता है, जहां चाहे वहां जितना चाहे उतना वो खर्चा कर सकता है, वो अमीर है। तो अमीर जब बनते हैं, आपके पास में पैसा है और पैसा आपके पास में आ रहा है और बहुत पैसा है आपके पास में, तो आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा। और टाइम फ्रीडम यदि आपको मिलता है तो आपको ये चिंता नहीं है कि मेरे परिवार का कैसा होगा। मेरे पास में इतने सारे पेशेंट आते हैं, वो उनको चिंता है कि भाई मेरे परिवार का कैसा होगा, मेरी बेटी की शादी है उसका कैसा होगा, बेटे का एजुकेशन है उसका कैसे होगा, हमारा 2 टाइम का तो खाने का हो जाता है मगर बाकी फिर कैसा करूं। वो चिंता में रहते हैं, वो चिंता रहेंगे नहीं। क्या होता है कि जब आप अमीर हैं तो आप अपने आप के खुद के बॉस हो, कोई आपके ऊपर बॉसगिरी नहीं कर सकता है, आप खुद के बॉस हो, है ना? कोई बॉसगिरी करेगा नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है तो आपको नौकरी की भी जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आप काम करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको टाइम फ्रीडम है, आपको माइंड फ्रीडम है, जो माइंड में जाते वो करेंगे, है ना? आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने बॉस हो, तो ये संभव है। तो इसलिए ये अमीर लोग जो बातें सिखाते हैं, वो 7 बातें जो सिखाते हैं, मैं फिर से 7 बातें फटाफट दोहराता हूँ। नंबर 1 जो है वो है कि सफलता जो है वो फ्री में मिलती नहीं है। नंबर 2, लोगों की समस्याएं छुड़वाओ और अमीर बन जाओ। नंबर 3, काम के ऊपर प्यार करो या प्यार वाला काम ढूंढो। नंबर 4, पैसा जो है वो अपने लाइफ के, अपने जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स छुड़वाता है। नंबर 5, मैं अमीर बनने के लायक हूं, ये अपना विश्वास होना बहुत जरूरी है। नंबर 6, पैसा और मौके बहुत ज्यादा है, हमने सोना नहीं चाहिए, जब आते हैं तो जागरूक रह के उसका फायदा, मौके के ऊपर चौका लगाना ही चाहिए। और नंबर 7, अमीर बनने से टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, परिवार के लिए टाइम बहुत सारा मिलते रहता है। तो ये 7 पॉइंट जो है, ये 9 कानून, अमीर बनने के 9 कानून मैंने आपको बताए। आपको कोई सवाल होगा तो 1-2 सवाल हम ले सकते हैं, कोई सवाल होगा आपको शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, हाथ ऊपर करो तो मैं आपको बताता हूँ, बोलने का मौका दूंगा। यस यस रियल मी नर्जो, यस बोलिए, आपको अनम्यूट करने का मौका दिया, बोलिए। हेलो, हाँ कहाँ से हो आप? सर मैं सोलापुर से बात कर रहा हूँ। सोलापुर का नाम क्या है? मेरा नाम बाबू शाह है। बाबू शाह बोलो। जी सर, मेरा सवाल है कि अमीर बनने से बनते वक्त आप आम आदमी में बहुत ताना मारते रहते हैं, तेरे हाथ से नहीं हो पाएगा ये, और कहते कि तू नहीं कर सकता है, बराबर। उस टाइम क्या करना चाहिए? उसके है ना, उसमें बहरा होना चाहिए, बहरा जी, सुनने का नहीं है, बहरा बनना है जी, मुझे मालूम है जी। हाँ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इसके लिए, इसके पहले भी सवाल आया था, इसके लिए मैं सबको कहानी सुनाता हूँ। क्या है कि ट्रैकिंग करने के लिए बहुत सारे बच्चे जाने वाले थे, तो उनके माँ बाप को बहुत चिंता थी कि
ये कैसा अपना बच्चा जाएगा, ऊपर जाएगा, वो ठंडी है, ऐसा है वैसा है, और बहुत ऊंचा जाना था, कंपटीशन थी, बच्चे बोले नहीं हमको जाना हमको जाना, तो पेरेंट्स सब लोग नीचे जमा हो गए, बच्चे ऊपर जाने के लिए तैयार, सब सुबह सुबह का टाइम और सब बच्चे ऊपर जाने के लिए तैयार है, ये इधर माँ बाप पीछे से उनका मन ऐसा ऐसा हो रहा है कि बच्चा ऊपर जा रहा है, ठंड बहुत ज्यादा ऊपर है, कैसा होगा, तो उसकी माँ चिल्ला रही बेटा अभी बहुत हो गया, अभी वापस आ जा वापस आ जा, तो दो तीन बच्चे, 100 बच्चे निकले, 100 उसमें से दो तीन बच्चे वापस आए, फिर थोड़ा ऊपर गए तो और दूसरी माँ चिल्लाई बोले बेटा वापस आ जा वापस आ जा, तो और 10-12 बच्चे वापस आ गए, फिर और बाकी ऊपर जा रहे, फिर और दो तीन माँ चिल्लाई अरे बेटा वापस आ जाओ वापस आ जाओ, तो 15-20 और 25 लोग वापस आए, ऐसा करते करते 99 बच्चे वापस आ गए, एक ही बच्चा वहां तक चले गया, एक ही बच्चा वहां तक चले गया, तो वो क्यों चले गए, उसके माँ बाप भी चिल्ला रहे थे कि भाई वापस आ जा बहुत ठंडी है अभी तो थक जाएगा, वैसा मत कर वैसा मत कर, उसने माँ बाप में भी चिल्ला है मगर वो ऊपर गया, तो वो क्यों गया, तो म्यूट है, मैं ही बोलता हूं उसका जवाब, क्योंकि वो बहरा था, वो बहरा था तो सुने ही नहीं है कौन क्या बोल रहा, ऊपर ही जा रहा ऊपर जा रहा, जीत गया बेटा, उसको पहला प्राइज मिल गया, यस काफी लोगों ने जवाब दिया है वो बहरा था समझे कि नहीं, तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, बहरा बनने का है, लोगों की सुनने का नहीं, लोगों की सुनेंगे तो खत्म काम, गुड बहुत बढ़िया, देविका अरोरा बोलिए, देविका वीडियो चालू करो, देविका वीडियो चालू करो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, माय नेम इज दिव्या अरोड़ा, वीडियो वीडियो चालू करो, नेम इज दिव्या अरोड़ा, वो बच्चे के नाम से जूम का लिंक है जी सर, आई एम सेइंग द सेम थिंग, क्योंकि वो बहरा था, बहरा था, आपने मैंने आपका नाम लिया, मैंने बताया कि आपने लिखा करके जी 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 सर, सर आपकी बातों से बहुत प्रभाव पड़ता है, मैं सुबह स्कूल में जाना होता है लेकिन फिर भी 6 बजे में ही चालू कर लेती हूँ कि पहले आपका वो मेडिटेशन वाला जो होता है कि वो करके, और मेरे को स्कूल निकलना होता है 7:30 तक, लेकिन फिर भी मैं अपने काम करते करते उसको सुन लेती हूँ, नहीं तो मिस हो जाता है मेरा, 6 से 6:30 भजन सुन के वो शुक्राना वाले, देन आपका मेडिटेशन करके, देन आई विल स्टार्ट माय डे, तो बहुत अच्छा जा रहा है, पॉजिटिविटी लगती है सुबह से ही, आज मैंने सोचा आज चलो शाम में ये वाला भी करती हूँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, अभी कल आ जाओ, अभी कल का रविवार है ना, संडे है, तो संडे मंडे ट्यूसडे तीनों भी दिन अभी मैं हूँ, तीनों भी दिन सर मनी सिटी जी मैं रहती तो हूँ, लेकिन वो बाकी दिन स्कूल होता है ना, तो वो रीडिंग थोड़ा सा चलते चलते मैं ही सुनती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ स्कूल से आने के बाद ना, 6 से 6:30 मैं जरूर आपका वो जरूर करती हूँ, थैंक यू सो मच सर, कीप अप द गुड वर्क, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, तो अभी 3 दिन मैं हूँ, सबको रिक्वेस्ट है, 146 लोग है अभी को रिक्वेस्ट है, मैं उसकी लिंक डाल रहा हूँ सुबह की, तीनों भी दिन अभी मैं हूँ, तीनों भी दिन आप आइए, मतलब बाद में भी आइए, और तीनों दिन मैं हूँ तो अभी मैं और जरा उसमें रंगत लाऊंगा, कल अभी और टॉपिक अच्छा करेंगे, कल का टॉपिक है हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, परसों का टॉपिक है धन का चुंबक, सोमवार का टॉपिक है, मंगलवार का टॉपिक है बहुत ज्यादा मतलब काम करो, काम के प्रति कैसा रहो, तो वो मंगलवार का टॉपिक है ना, कल का तो जरूर सुनना है, यस कल का हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्रभाकर जी आप आते रहते कि नहीं सुबह, प्रभाकर जी, कांता मैडम आप भी आइए सवेरे, हेलो सर, सर मैं एक बात करना चाहता हूँ, सॉरी बीच में, कुछ लोग यहाँ पर नए हैं सर, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक द मैजिक बुक रीडिंग का कार्यक्रम होता है, जो रोंडा बर्न ने लिखा है वो किताब, उसका रीडिंग करते हैं हम रोज, और उसके हिसाब से सर जो है वो उसका विश्लेषण करके बताते हैं, और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर उसका एक 7:30 से 8 का एक प्रश्नोत्तर का भी सेशन होता है, जिसमें से लोगों की समस्या और उसमें से सभी के लाइफ में उसका फर्क पड़ता है, मतलब उसका असर जो है या उसका उस प्रश्नोत्तर का जो है वैल्यूज सभी को मिलती है उसमें से, तो ये हमारा रोज रोज होता है कार्यक्रम 6:30 से सुबह 7:30 बजे तक,
तो आप सबको इसमें ज्वाइन करना है। अगर किसी को उसकी लिंक चाहिए तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पर है दी हुई, उस टेलीग्राम में आप ज्वाइन हुए तो उसमें रोज का अपडेट आता है और रोज कितने बजे कार्यक्रम है और लिंक वगैरह उसमें आती है। कुछ नए लोगों के लिए उनको मालूम नहीं है, कुछ नए लिंक डाल रहा हूँ, लिंक डाल रहा हूँ। ये प्रोग्राम जो है जैसा प्रवीण जी ने बताया, और ये जो प्रोग्राम है 6:30 से 7:30 है, मगर हम 6:15 बजे चालू कर देते हैं। 6:15 बजे पहले प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद में हम रिलैक्सेशन टेक्निक लेते हैं, और उसके बाद में 6:30 से 7:30 बजे तक ये होता है। तो आप हो सके तो 6:15 बजे ही ज्वाइन हो जाइए, है ना, सबके लिए अच्छा रहेगा 6:15 का, ठीक है ना। यस प्रभाकर जी, हाँ कांता जी आप सवेरे आती है कि नहीं, चालू करो आना, क्या उधर आ जाती है ना आप, मंजीरी मैडम की तरफ जाती है। हाँ मंजीरी के इसमें हूँ सर, 4:30 से 5:30। यस कभी हमारा भी टेस्ट करके देखो, हमारा भी टेस्ट करके देखो अलग क्या होता है। तो हाँ राधिका ने बताया मुझे कि वो ज्यादा पावरफुल है, तो ठीक है। नहीं नहीं पावरफुल और कुछ नहीं, किताब तो वही है, अलग तरह से लेते, टेक्निक अलग है, अलग है टेक्निक अलग है। यस प्रभाकर, प्रभाकर जी बोलिए। पावर पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट किया था, हाँ। और 3 अलग अलग नंबर पे आपको रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन मुझे पावर पॉइंट नहीं दिए। मैं भी ट्राई कर सकता था, कहेगा वो जो अभी लीड करने के हिसाब से आपने पिछले एक टॉक में बोला कि भाई किसको मतलब इसमें भाग लेना है, तो उसके लिए पावर पॉइंट भेजते हैं। मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी आपको, मैंने पढ़ा नहीं हो, हाँ मैंने पढ़ा नहीं हो। ओके दूसरी बात, अभी रुद्राक्ष माला नहीं दिख रही बाबा। हाँ? कौन कौन रुद्राक्ष माला नहीं दिख रही तुम्हारे हाथ में की? रुद्राक्ष माला अभी निकाल दिया सवेरे, सवेरे पहनूंगा, अलग काम में था मैं दूसरे, तो उसमें वो रख दिया बाजू में। ओके ओके यस ठीक है। तो संदीप लास्ट, संदीप जी बोलिए। संदीप जी सर नमस्ते। यस नमस्ते बोलो जी। सर मैं अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाँ जी। तो सर मैं स्टूडेंट हूँ अभी, जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे काफी दोस्त हैं जो मतलब सरकारी नौकरी लगे हुए हैं। हाँ जी। तो वो मुझे कहते हैं तुम सरकारी नौकरी तैयारी क्यों कर रहे हो, हम कर रहे हैं, हम परेशान हैं इसमें, ना समय है ना ज्यादा पैसा है और तुम इसमें लगे पड़े हो। तो हम बोलते हैं हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, तो मतलब आप कुछ बताइए कि उनकी बात को हम मान कर ऐसा क्या कर सकते हैं कुछ। देखो आपको जिसमें मजा आता है वो करो, नंबर एक, जिसमें मजा आता है, जिसको सरकारी नौकरी में मजा आता है ना। मजा क्यों आता है, शनिवार रविवार छुट्टी है, 12 कैजुअल लीव है, 1 महीना अन लीव है, फिर स्ट्राइक पे जाओ तब घर बैठो आराम करो, है ना। तो ऐसे मजा आती है उनको, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, काम टालने कैसा वो मालूम है उनको, कैसा काम टालना चाहिए। फिर लोग करप्शन भी बहुत करते, उसमें बहुत पैसा कमाते हैं, इसलिए लोग जाते रहते। मेरे को सरकारी नौकरी कभी भाई नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम था कि सरकारी नौकरी में यदि आप करप्शन नहीं करते हैं तो सरकारी नौकरी करना पुरता नहीं। यदि करप्शन नहीं करते, करप्शन करते बहुत सारा पैसा है, और आप ऑनेस्टी से काम करते हो सरकारी नौकरी का पैसा आपको पुरेगा नहीं, कितना पैसा मिलेगा। तो आप में यदि दम है, ताकत है, तो आप बिजनेस करेंगे। और जो मैंने बताया स्टार्टअप, लोगों को जरूरत क्या है, अब स्टार्टअप के लिए अभी ये गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी दी हुई है, वो आप कर सकते हैं। और जिसको काम करना है उसको काम की कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं। आप नए 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 सोचो, लोगों को मिलो, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। 100, 200, 500 लोगों को मिलेंगे, आपको मालूम पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है लोगों को, सॉल्व करो पता चल जाएगा, ठीक है ना। सरकारी नौकरी करप्शन वालों के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। यस रंजना गुप्ता बोलिए। रंजना जी रंजना, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते बोलो। नमस्कार सर, सर मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। हाँ जी सर, एक्चुअली अभी आपने जो कन्वर्सेशन अपना हुआ मैं सुन रही थी। हाँ। तो सर मैं एक चीज साफ बोलना चाहती हूँ सर, सर जो सरकारी कर्मचारी के बारे में बोला जाता है कि वो करप्टेड होता है, सर ऐसा हर किसी के साथ लागू नहीं होता। ये मुश्किल से सर मुझे लगता है 20% ऐसे होते होंगे कि जो इस तरह की सिचुएशन सर क्रिएट करते हैं। बाकी सर इन जनरल जो होता है, एक जो इंसान सरकारी नौकरी करता है सर,
वो एक सिंपल पर्सन होता है, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करता है सर। जैसे कि मेरे हस्बैंड के कंसर्न में सर उन्होंने अपनी सर्विस को पूरी सिंसियरली से किया और सिंसियरिटी के साथ किया, और अभी भी जैसे कर रहे हैं। बट ईमानदारी, ज्यादा ईमानदारी का नतीजा भी ये होता है कि सर जैसे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो ये सर है, ये इस चीज से सर मैं एग्री हूँ कि जो सर करप्शन करते हैं या जो इस तरह की माल प्रैक्टिस में सर ये इन्वॉल्व होते हैं सर, तो वो उनकी एक अलग ग्रुपिंग होती है सर, उनका एक लाइफस्टाइल होता है, जैसे ड्रिंकिंग और खाना पीना इधर उधर, इस तरह के ऊट पटांग इस टाइप के शौक होते हैं। लेकिन जो एक सिंपल जीवन जीते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड सर है, वो उनको बस ड्यूटी बजानी है और घर आना है, गार्डनिंग करना है, ये सब काम उनको रहते सर, और वो इधर उधर के फालतू कामों में नहीं इन्वॉल्व रहते। तो इसका मेरे को समझ में, मतलब आप जो बोले मेरे को समझ में आया कि सभी लोग ऐसे रहते नहीं है। देखो एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल है ना, ऐसा बोलते हैं कि भाई एक्सेप्शन रहता है सब जगह, एक्सेप्शन है अभी थोड़े ऐसे रहते। मैं बोलता हूँ कि जो एक्चुअली करप्शन नहीं करते हैं उनके ऊपर ही अपना देश चल रहा है। अपना देश जो चल रहा है ना वो उसके लिए चल रहा है कि कुछ लोग करप्शन नहीं करते हैं इसलिए देश चल रहा है, ये तो देश चलता नहीं था, ये सब करप्टेड रहते तो मंजूरी है कि सभी करप्टेड रहते नहीं है। जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट लोग अच्छा देश, अपना देश जो चलाते वो ऑनेस्ट लोग चलाते, समझ गया ना। तो वो तो है ही, एक्सेप्शन ऑलवेज प्रूव द रूल। मगर आप कोई भी ऑफिस में चले जाओ, पैसे दिया बिना होता ही नहीं। एक तो आदमी ने मेरे को ये बोला कि हम यहाँ आते हैं तो यहाँ आके बैठने का हमको तनख्वाह मिलती है, यहाँ काम करने का पैसा हम लोगों से लेते हैं। यहाँ आके बैठने का तनख्वाह है, काम करने का तनख्वाह लोगों से लेना पड़ता, तो दोनों भी बात है ना। और अपना देश इसलिए चलता है कि वो 20% का लोग, मैं बोलता हूँ आपने उल्टा बोला, 20% का लोग जो है ना वही ऑनेस्ट है, 80% करप्ट है ना। हमारे पूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी ने ये बोला था, आपको सेंटेंस मालूम होगा, कि 1 रुपया जब गवर्नमेंट छोड़ती है ऊपर से दिल्ली से तो सामान्य आदमी के पास 15 पैसे जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे जाते। 1 रुपया जब गवर्नमेंट देती है कुछ सहूलतें, सामान्य आदमी को 15 पैसे मिलते हैं 1 रुपये में, है ना। ये पंतप्रधान बोल रहे देश के, ठीक है, हमको उसमें जाना नहीं है, बहुत डिबेट का कार्यक्रम है हमारा। जो है मेन जो मुझे बोलना था, जब लोग पूछते हैं मुझे संदीप जैसे कि भाई गवर्नमेंट नौकरी में जाऊं कि बिजनेस चालू करूं, तो वो अपना अपना है, अपना अपना ये रहता है, मतलब क्या आपका लाइकिंग क्या है। कुछ लोगों का लाइकिंग ऐसा रहता है कि ठीक है भाई गवर्नमेंट नौकरी में 20-25 हज़ार मिलते हैं, अपने को कोई करप्शन करना नहीं है, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं है, मस्त आराम की नौकरी करो, एक बाइक लो, एक बीवी, 2 बच्चे, आराम से जिंदगी जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम करेंगे, है ना। संडे सैटरडे छुट्टी है, 12 कैजुअल लियो है, 1 महीना अन लियो है, 1 महीना मेडिकल लियो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त जिंदगी जियो, ऐसा रहता है। तो कोई लोगों का रहता है कि नहीं भाई बिजनेस करो, ऐसा रहता है, ठीक है ना, गुड। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और रंजना जी आपने ये टॉपिक लाया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने ये टॉपिक लाया। सभी लोगों ने जिन्होंने शेयर किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलेंगे, सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि सुबह उठने की आदत डालो, सुबह उठो, और सुबह उठने की आदत डालेंगे तो बहुत सारे काम होंगे, आपको क्या लगेगा दिन बहुत बड़ा हो गया यदि सुबह उठने की आदत डालेंगे, तो दिन भी बहुत बड़ा लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी काम आपके हो जाएंगे, सुबह उठ के आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और ये एक जादू का जो प्रोग्राम है वो भी आपको मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, शब्बा खैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।